हरे कृष्ण महाविष्णु ने, लेकिन कलयुग का जीवन हम हरिनाम संकीर्तन
इसलिए अद्वैत आकर आप जो सोच रहे हैं मैं तो ये काम कर सकता हूँ, नाम संकीर्तन कर सकता हूँ, लेकिन ये जो कलयुग है ये जितने पर जब ये कलयुग आए तब चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताए कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, क्यों? युग का नाम कलयुग है, लड़ाई झगड़े का युग है, लेकिन हम जिस कलयुग में हम लोग आए ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं। जब सत्तर तैतिया द्वापर युग का लोग यहाँ पर देवता लोग भी ये कलयुग में जन्म ग्रहण करके उपासना करना चाहते थे। क्यों? कारण क्या? अगर कारण है जिस प्रेम को पाने के लिए अभी तक भी लक्ष्मी बैल बन में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए स्वयं संत जी गोपी बन करके उन्होंने रास को दर्शन करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो पकड़ करके रास से निकाल दिया शंकर जी को। ब्रह्मा जहाँ पर लेना चाहते हैं ब्रह्मा जी, जहाँ उद्धव जी वृंदावन में गुरु लता औषधि के लिए प्रार्थना करते हैं जन्म लेने के लिए, लेकिन वो दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु जो इसी गली में आते हैं वो मुक्त हाथ से और थोड़ी सी केवल हरकी कीर्तन है बस सचिनंद गौ हरी। अगर केवल इतना अगर बोलते अगर थोड़ी सी हरी कीर्तन करते तो कलयुग में महाप्रभु का अनुगत में वो दुर्लभ प्रेम को आप प्राप्त हो जाएगी वो दुर्लभ प्रेम। इसलिए आप लोग जो कट्टी और तिलक लगा मुझे बैठे हो आप लोग साधारण नहीं, भागवत कहता है बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सत्य द्वापर युग का लोग भी दूसरे दूसरे संप्रदाय का लोग भी रामानुज मध्य भरत का संप्रदाय का संत भी ये कलयुग में जो श्री चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं मुदार तो हनुमान स्वयं आए शंकर जी अद्वैत आचार्य आए जिस रासलीला में शंकर जी प्रवेश नहीं कर पाए महाप्रभु बोले कोई चिंता मत करो मैं जब कलयुग में श्री सचिदानंद गौर भाई बन कर आऊंगा श्रीवास शंकर के दोनों दोनों गले यहाँ लेकर के हम भी बिताए गौर भाई को बड़े हम दोनों संकीर्तन विराम प्रवेश करेंगे। इसलिए नारद जी जिस प्रेम के बारे में कठोर तपस्या किया हुए भी कलयुग में श्रीवास पंडित बन कर आते हैं क्योंकि महाप्रभु किए संकीर्तन को श्री सचिदानंद गौर भाई को उपासना करेंगे। जब उनको वस्तु सिद्धि मतलब जब उनकी वस्तु सिद्धि मिलेगी एक साथ में उनको गौर धाम और एक साथ में उनको श्री कृष्ण लीला में दोनों को एक साथ में लीला में प्रवेश होगी केवल श्री सचिदानंद गौर भाई अनुगत्य मिलेगी और किसी की अनुगत्य नहीं। इसलिए यही से श्री चैतन्य महाप्रभु हरि यहीं पर हरिनाम प्रचार किया। महाप्रभु एक मूल स्कंध है उसमें दो शाखा निकली कौन कौन एक नित्यानंद और एक अद्वैत आचार्य उससे बहुत सारे शाखा निकली रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्री नर्मदास ठाकुर आदि और एक विशेष शाखा निकला जो प्रभुपा भक्ति स्थान सरस्वती गोस्वामी प्रभुपा और उसी से और एक शाखा निकली कौन है श्री भक्ति वेदांत शिला भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज लेकिन उसी से तीन फिर फूल मिले श्री बापू गोसाई महाराज त्रिगुरु गोसाई महाराज और श्री नारायण गोसाई महाराज लेकिन एक विशेष फूल मिला है जो श्री भक्ति के साथ मिला नारायण गोसाई महाराज जिसने दोनों विशेष फूल मिले। इसलिए जिनको श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज बोले थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज बोले थे इसमें ऐसे एक फूल इतने सुंदर फूल खिलेगा जिसका खुशबू केवल भारत नहीं जिसकी सौरभ और जिसकी
सुगठिता संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जाएगा और विश्व ब्रह्मांड के लोग आकर के वो फूल ऊपर बैठी करके मधु का आस्वादन करेंगे। हसमुख से हमारे श्री भक्तिवेदांत सर नारायण गोस्वामी महाराज उसमें एक विशेष फूल खिले जो विश्व ब्रह्मांड को जिनकी सौलभ विश्व ब्रह्मांड को मुक्त कर दिया और हम लोग उनकी चरण में आकर के यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं। हम यहीं पर बोल करके हम महाप्रभु के पास में आए, उनका जन्म स्थान है, हम आगे के महाप्रभु को प्रार्थना करेंगे, हमारे गुरु वैष्णव को प्रार्थना करेंगे, आप जो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए हम आए हैं, आप आए हो उसका एक छोटा मोटा अगर हमारे शरीर में लग जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम यही बोल करके बातों को विश्राम देता हूँ। बात सागर कृपा।